नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इनके खिलाफ राज्य सरकारें किस तरह से जमीन पर उतरी हुई हैं, नए नए अध्यादेश ला रही हैं, लाने की तैयारी में हैं, उससे यह लग रहा है कि सरकार की प्राथमिकता प्रेमी युगलों को अलग करने में है। और इसकी सबसे बड़ी प्रयोग स्थली बनी हुई है उत्तर प्रदेश की धरती। उत्तर प्रदेश में 28 नवंबर को योगी आदित्यनाथ की सरकार एंटी कन्वर्जन लॉ लाती है, ऑर्डिनेंस पास करती है, और तब से लेकर अभी तक जब हम बात कर रहे हैं 60 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 16 FIRs हैं, बहुत से लोग जेल में बंद हैं। जितने लोग जेल में बंद हैं या बड़ी मुश्किल से रिहा हुए, उन्होंने प्यार को तवज्जो दी, उन्होंने देश के संविधान को तवज्जो दी, उन्होंने अहमियत समझी इंसानियत पर, उन्होंने अपने रिश्ते को जिंदा रखने के लिए न धर्म की सरहद को माना, सीमा को माना, न जाति की। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह का खौफ का माहौल है, वह तमाम प्रेमी युगलों को डराने वाला है। लखनऊ में जिस तरह का वाकया सामने आया, जहां पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं था, लेकिन वहां पर भी जहां पूरे परिवार शामिल थे, लड़की वाले लड़के वाले सब साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां पर भी पुलिस की दखल हुई, शादी रोक दी गई, सबको थाने जाना पड़ा। और इस तरह की अनगिनत वारदातें रोज बरोज हमारे सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पर यह अकेला मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है, मध्य प्रदेश भी इसी तरह का कानून ला रहा है, कर्नाटक में तैयारी चल रही है, और पूरे देश में लड़कियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, और खास तौर से हिंदू लड़कियों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जनमानस को तैयार किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यह हिंदू लड़कियों के खिलाफ कैसे है। इसकी असल जड़ यही है कि ये पूरी की पूरी उन्मादी भीड़, ये सरकारें यह मान के चलती हैं कि हिंदू लड़की के पास दिमाग नहीं है, वह बहला ली जाती है, फुसला ली जाती है, उसे मुसलमान लड़के बाइक और अपना शरीर सौष्ठव दिखाकर बरगला लेते हैं, वह एडल्ट होने के बावजूद तय नहीं कर पाती अपना अच्छा और बुरा। और इस मामले में जो उत्तर प्रदेश का कानून है, वह बेहद जलील करने वाला कानून है। वह बताता है, नाम तो उसमें लिया गया है कि हिंदू लड़कियों की रक्षा के लिए, लेकिन देखिए हिंदू लड़की की कोई राय इसमें पूछी नहीं जाती। कोई भी लड़की का परिवार हो, रिश्तेदार हो, दूर का नातेदार हो, यहां तक कि कोई भी संगठन इस तरह की शादी में आपत्ति जता सकता है, तुरंत पुलिस को बुलाया जा सकता है। पुलिस सबसे बड़ी इस समय सबसे बड़ा काम उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने इन तमाम शादियों की निगरानी करना हो गया है। सारे शादी करने वालों के लिए पुलिस को खिलाना पिलाना अनिवार्य बताया जा रहा है। और उस पर आलम यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में माना कि अभी तक लव जिहाद या बहलाने फुसलाने वाला कोई भी केस, उसका प्रमाण उसके पास नहीं है। इस पूरे के पूरे प्रकरण पर हमने बातचीत की कविता कृष्णन से, जो एपवा की सक्रिय सदस्य हैं। उन्होंने बेखौफ आज़ादी एक किताब लिखी है और इन तमाम मामलों पर बहुत ही पैनी निगाह बनाए हुए हैं। मुरादाबाद में जब जो युवा दंपत्ति है उसके ऊपर हमला हुआ, मुस्कान के ऊपर हमला हुआ, मुस्कान को शेल्टर होम में भेजा गया, जहां गर्भवती मुस्कान को अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ा और 2 हफ्ते तक उनके पति जेल में रहे। इस पूरे के पूरे प्रकरण पर इसकी जांच करने, पीड़िता के मदद करने के लिए
कविता कृष्णन वहां पहुंची थी। आइए सुनते हैं कि इस पूरे के पूरे एपिसोड को और कानून के साथ साथ पूरे देश में जो प्रेम के खिलाफ एक माहौल बनाने पर सरकारें उतारू हैं, उस बारे में कविता क्या कहती हैं। अभी आप होकर आई थी उत्तर प्रदेश में, जो नवीनतम केस है उसमें आप परिवार से भी मिलकर आई। थोड़ा हमें बताइए कि वो जो महिला है, जो लड़की है, वो अभी भी खड़ी हुई है पूरी मजबूती के साथ अपने प्रेम के पक्ष में। बिल्कुल, और उसकी बहादुरी तो इतनी जबरदस्त है, जबकि उसके साथ इतना भयानक अन्याय और इतनी बड़ी हिंसा हुई है। उनका नाम मुस्कान है और जब उनको सब ये बात है कि उन्होंने शादी जो है वो 6 महीने पहले ही कर लिया था और उत्तराखंड में किया था। उत्तराखंड में ये कानून था, उस कानून के तहत उन्होंने वहां के डीएम को चिट्ठी भी दी, बताया भी कि हम तो शादी कर रहे हैं और उसके लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और आगे सारे नोटिस सबके बावजूद सबके साथ उन्होंने शादी सब की। कुछ नोटिस वहां दिया हुआ। लीगली जो प्रोसीजर है उसके तहत शादी की उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ जब आए तो यहाँ पर उनकी जो माँ है लड़के की, उनको खतरा लगने लगा कि कहीं ये नया कानून सब बन रहा है तो क्या शादी को रजिस्टर कर लेना चाहिए क्या। तो उनको एक वकील ने कहा कि हाँ, रजिस्टर करना बिल्कुल अनिवार्य होगा, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो शुरू की उसमें या तो उस वकील ने या रजिस्ट्रेशन वाले कार्यालय में किसी ने खबरी बन करके, खुफिया बन करके वहां के लोकल मुरादाबाद के बजरंग दल को बता दिया कि ये लोग शादी कर रहे हैं। तो जिस दिन वो निकले थे सज धज करके कोर्ट में रजिस्टर कराने के लिए शादी को, वहां पर उनको बजरंग दल के मॉब ने घेर लिया और घेर करके पूरा जो है वो उनके पति के भाई को मारा पीटा भी, इनको धमकियां दी, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी, कहा कि तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए ही तो ये नया कानून हम ला रहे हैं। तो ये सारी चीजें कही और ये महिला वहां अडिग खड़ी रही। मुस्कान वहां कहती रही कि देखिए, मैं बालिग हूं, मैंने अपनी मर्जी से तय किया है मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ। उस समय तक मुस्कान के परिवार वाले भी नहीं आए थे। नहीं, उसके परिवार वाले भी नहीं। हाँ बिल्कुल, मुस्कान की माँ बाप को ये बाद में ले आए बजरंग दल वाले, FIR उन्होंने ही लिखवाया। FIR में निहायती बकवास लिखा गया कि कोई सोनू नाम से, मैंने ये हर जगह इनको सोनू नजर आते हैं। मैंने देखा है कि कई जगह जहाँ बजरंग दल वाले कहते हैं, वो कहते हैं कि फलाना मुस्लिम है, उसने अपना नाम सोनू बताया। तो यहाँ कोई सोनू वोनू कोई था नहीं। ये मुस्कान कहती रही, आशीष को मैं जानती हूँ, पहले से जानती हूँ, साल भर से हमारा रिश्ता है, हमारा प्यार है, और मैंने बिल्कुल सोच समझ करके तय किया कि शादी कर ली। अब आप तो इसमें जो उसके साथ जो हुआ वो इतना भयानक है, क्योंकि ये कहने के बावजूद पुलिस जानती थी, पुलिस लोकल पुलिस ने कहा मुस्कान से भी, राशिद से भी, कि भाई आप लोगों की शादी तो पहले हो चुकी है, ये कानून लागू ही नहीं होता आप पर, आपने कोई गुनाह नहीं किया है। बावजूद इसके बजरंग दल को खुश करने के लिए, एक तरह से चीफ मिनिस्टर को खुश करने के लिए, उन्होंने इस प्रेग्नेंट महिला को शेल्टर होम, तथाकथित शेल्टर होम में भेजा। उसको ठीक से खाना पीना भी नहीं दिया गया। वो जब बीमार पड़ी, भयानक दर्द होने लगा, तो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उसका कहना है कि उसको गर्भपात का इंजेक्शन दिया गया। दिया गया कि नहीं दिया गया कैसे जानेंगे, क्योंकि अस्पताल ने कागजात जो है वो मुस्कान को दिए नहीं है, उन्होंने किसी को नहीं दिखाया है, नहीं दिया है। और यहाँ तक कि उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने पब्लिकली मीडिया से कह दिया कि नहीं नहीं, हमने तो देखा है कि इसका गर्भपात नहीं हुआ है, इसका मिसकैरेज भी नहीं हुआ है। लेकिन जब वो घर आई, और घर कैसे आई, क्योंकि पुलिस ने खुद उसको पेश किया मैजिस्ट्रेट के सामने, और उसने मैजिस्ट्रेट को बताया जो उसने शुरू से कह रही थी कि भाई मैं मर्जी से शादीशुदा हूँ, तो छोड़ दी, और उनके भाई तब भी जेल में थे। तो मुस्कान का जो मिसकैरेज हुआ वो बाद में अल्ट्रासाउंड होकर के, लेकिन उसको दवाइयां नहीं दी गई जो एंटीबायोटिक्स हर मिसकैरेज के बाद दी जाती है, मिसकैरेज या अबॉर्शन के बाद महिला को, ताकि आपका यूट्रस में कोई इन्फेक्शन ना हो, आप आगे भी बच्चे पैदा कर सके। जानबूझ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुरादाबाद ने ये दवाइयां नहीं दी, जानबूझ करके, ताकि उसके फ्यूचर में गर्भ धारण करने की जो क्षमता है उस पे, उसको खतरे में डाला जा सके। तो इससे ज्यादा मतलब क्या कहें, ये तो बहुत ही शर्मनाक किस्म की, बिल्कुल भयानक किस्म का हिंसा इस लड़की के साथ, इस महिला के साथ हुआ है।
और इसके बाद से अभी तक रोज कमोबेश इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कोई पिज्जा खाने गया, कोई साथ निकला, तो मकसद क्या है? बुनियादी तौर पे आपको, आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पार्टी से जुड़ी हुई हैं, कैसे आप उत्तर प्रदेश के इस क्रम को देख रही हैं? क्योंकि अभी तक 16-17 मामले तकरीबन सामने आए हैं हमारे सामने। देखिए, बिना कानून के भी वो ये हमले कर रहे हैं। मैं कहूंगी आपके व्यूअर्स से, न्यूज़क्लिक के व्यूअर्स से, कि ये कोबरा पोस्ट की जो स्टिंग है, कोबरा पोस्ट की वेबसाइट पे जा करके आप ऑपरेशन जूलियट वाले स्टिंग के वीडियोस को देखिए। वहां आपको दिखेगा कैसे पूरा साजिश है कि पूरा संघ परिवार लग करके स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने वाले जो लड़के लड़की हैं उनका नाम पता लगा लेती है और उसके बाद में हमला करती है, हल्ला मचाती है, लड़की को मारती पीटती है, मारपीट से ना माने तो उसको ड्रग्स दे करके उसका दिमाग खराब करने की और उसे अलग करने की कोशिश करती है। ये एक पूरी बड़ी साजिश है। हमारे देश के अदालतों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये महिलाओं की स्वायत्तता के खिलाफ आतंकवाद है। लेकिन इस पर बहुत मीडिया भी जोर नहीं देती, कोई नहीं देता। तो ये तो वो पहले से कर रहे हैं और इसमें वो समाज में व्याप्त जो भय है लड़की की स्वायत्तता से, जो डर लगता है माता पिता को भी, उसको उसको उसका वो फायदा उठा रहे हैं, उसको वो आग दे रहे हैं। लेकिन कानून क्यों बना रहे? बिना कानून के भी तो कर रहे थे। कानून इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये कानून अगर बना रह गया तो एक तरह से ये कानून इस देश के संविधान का कानून नहीं है, वो भावी हिंदू राष्ट्र का कानून है, वो ये मनुस्मृति वाला कानून है। इसको अगर हम बना लिए तो देश के संविधान के दायरे के बाहर हमने एक पैर का हिस्सा हमने डाल दिया और वहां पर एक भावी हिंदू राष्ट्र का जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हमने नींव डाल दिया। इसी को वो करना चाहते। सीएए भी ऐसा ही है। तो सीएए नागरिकता से जुड़ा हुआ कानून था, ये प्यार से जुड़ा हुआ कानून है, धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ कानून है। कानून में कुछ नई बातें हैं जो और भी ज्यादा भयानक है। जैसे पहली बार इस कानून में और उत्तराखंड वाले कानून में ये है कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो पहले ये होता था कि जो काजी आपका धर्म परिवर्तन करवा रहा है या जो प्रीस्ट, क्रिश्चियन प्रीस्ट आपका करवा रहा है या हिंदू भी कोई प्रीस्ट आपका आर्य समाज मंदिर का कोई करवा रहा है, उस पर कार्रवाई हो सकती थी लेकिन आप पर कार्रवाई नहीं हो सकती थी। इस बार जो इंसान धर्म परिवर्तन कर रहा है उसने अगर डीएम को का परमिशन नहीं दिया तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है और महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ खास करके ये प्रावधान है। दूसरा ये कि इसमें नई बात ये है कि अगर आप इसमें हिंदू धर्म में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर आप मुस्लिम हैं और आप बन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये आपका घर है, ये आपका घर वापसी टाइप का है, आपका ओरिजिनल आपका धर्म है, तो यहाँ तो ये भी नई चीज है, ये पहले वाले कानून में नहीं था, ये इस कानून यूपी वाले कानून में आया हुआ है। उसके बाद में ये है कि अगर ये कानून का प्रचार आदित्यनाथ कह रहे हैं कि महिलाओं के बचाव के लिए हम कर रहे हैं, लव जिहाद से बचाना है महिलाओं को, तो भाई महिला बताएगी ना कि मेरे साथ जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है या मेरे साथ बलात्कार हो रहा है या जो भी हो रहा है। ऐसा नहीं है। इस कानून में बाकायदा प्रोविजन है कि जो पीड़ित पक्ष है वो भले ना कंप्लेन ही ना करे, उसके माता पिता, उसके परिवार से दूर दूर से जुड़ा हुआ कोई भी, यहाँ तक कि तीसरे संगठन भी जा करके किसी न किसी बहाने कंप्लेंट कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो मैंने बताया पहले भी कि जो लोग महिलाओं की स्वायत्तता के खिलाफ बलात्कार कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं उनको अभी एक बना बनाया कानून सिर्फ दुरुपयोग के लिए ही, मैंने उनके उपयोग के लिए उनको दे दिया है कि लाओ इसी का इस्तेमाल कर दो और इस पर महिलाओं की स्वायत्तता पर और अंतर्धार्मिक प्यार पर, विवाहों पर आप हमला कर लो। बिजनौर में एक लड़की अपने दोस्त के साथ लौट रही है घर, देर हो जाती है, वे कहीं रुकते हैं, पिज्जा खाते हैं और मामला धर्म परिवर्तन का बन जाता है। लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लड़की खुलेआम हिम्मत के साथ कैमरे पर बोलती है कि नहीं, हम महज दोस्त हैं, हम ऐसे आ रहे थे वापस, कहीं से भी कोई मामला धर्म परिवर्तन, प्रेम, शादी किसी का नहीं। लेकिन नहीं, वह तो बेचारी हिंदू लड़की है, उसे कहां अकल कि वह लड़का क्या करने की सोच रहा था। वह तो सिर्फ बजरंग दलियों, वीएचपी, भाजपा से जुड़े तमाम सेना के अलग अलग लोग यही बता पाते हैं कि हिंदू लड़की को किस तरह से मुसलमान लड़के बरगलाने की कोशिश कर रहे थे।
और इन तमाम मामलों में आप देखिए आखिरकार हिंदू परिवारों पर किस तरह का दबाव ये संगठन बनाते हैं। अलीगढ़ से जो घटनाएं, जो जिक्र हमारे पास पहुंचा है, उससे लगता है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों को घेरा जाए। सिर्फ अलीगढ़ शहर में 500 से अधिक कार्यकर्ता बतौर बजरंग दल, बतौर VHP काम कर रहे हैं और पूरे के पूरे अलीगढ़ जिले में 2000 से अधिक, और इनका काम तमाम समूहों में, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में यही चेक करने का है कि किस मुस्लिम लड़के से किस हिंदू लड़की की दोस्ती है, वे साथ स्कूल पढ़ते हैं तो कहीं आते जाते तो नहीं, कहीं मिलते तो नहीं, कहीं उनकी बात तो नहीं होती। इस तरह से लंबे समय से वैमनस्य से फैलाने की और लड़की के विवेक पर नकेल कसने की कोशिश यह हिंदुत्ववादी ब्रिगेड कर रहा है, और शायद यही वजह है कि यह कानून उन प्रदेशों में सबसे पहले लाया गया, लाए जाने की तैयारी हो रही है जहां यह ब्रिगेड काम कर रही है। इस पूरे प्रकरण पर हमने बात की अरुंधति धुरू से, जो NAPM की सदस्य हैं, इन तमाम मुद्दों पर बेबाक राय रखती हैं। आपसे अरुंधति जी हम ये जानना चाहेंगे कि जो लखनऊ में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो अभी योगी सरकार ने कानून बनाया है कन्वर्जन, लव जिहाद, बाकी सारे नामों पर, वो आप कैसे देख रही हैं? और उससे बड़ा खौफ का माहौल युवा जनता में है, कई केसेस ऐसे आ रहे हैं, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी योगी सरकार को इसे मिलाने की? देखिए, ये योगी सरकार का ही नहीं, आप ये जानती है कि RSS का बहुत पुराना एजेंडा है और ब्रिटिशों के जमाने से है। और आप देखेंगे कि इवन पहले इसमें भी जबलपुर में जहां पहली एक घटना हुई थी, तब से RSS के लिटरेचर में भी लव जिहाद, मुझे ये शब्द नहीं परंतु ये एक डेमोग्राफी के लिए उनका ये जो थियरी है कि देश में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ेगा और उसमें क्योंकि मुस्लिम लड़के लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को अपने तरफ करेंगे, उनसे शादी करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे और अपनी संख्या बढ़ाएंगे, ये एक कोई भी तथ्य के बिना आधार पे एक जनता में डर लगाने वाला कि फिर मुस्लिमों का राज आएगा, उसके आधार पे एक डेमोग्राफिक पूरे इसकी उनकी हमेशा की ये रही है। तो ये उसी का अगला कदम है। योगी खुद जो खुद RSS के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उधर अधिक की ज्यादा सनातन हिंदू या पूरा उग्रवादी हिंदू बैकग्राउंड से खुद को आते हैं, वो कभी RSS के मेंबर भी नहीं रहे हैं, पर अत्यंत सनातनी और उग्र हिंदू विचारधारा के वो नेता है, तो उनको तो ये मौका ही चाहिए था। और एक तरफ से कि वो कहीं ना कहीं तरीके से, क्योंकि वो पूरे एंटी मुस्लिम तो पहले से है ही, तो उन्होंने पूरा वो एक खौफ का ये करने का, क्योंकि आप आखिर में ये लड़कों को कुछ समय के बाद छोड़ा भी जाएगा कोर्ट में से, परंतु एक खौफ का माहौल समाज में पैदा होता है। तो अभी आपने कितने केसेस देखिए, अभी के केसेस में जो लखनऊ में जो केस हुई थी, आपने देखा होगा कि लखनऊ में तो एक पूरा समझदार हिंदू मुस्लिम लड़का और लड़की की शादी हो रही थी, जो दोनों परिवारों के खुशी से हो रही थी, दोनों एडल्ट है, मतलब दोनों जॉब करते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, दोनों ग्रेजुएट है, लड़का और लड़की दोनों पोस्ट ग्रेजुएट शायद उनमें से एक है, और परिवारों का कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही धर्म परिवर्तन हो रहा था, मुझे इसमें कोई मामला नहीं था, तो भी जाके उस मामले में हम लोग गए थे। और ये बहुत दुर्दैव की बात है कि दो एडल्ट जो 25 और 26 साल के हैं, उनके अपने जिंदगी जीने का, अपने पार्टनर चुनने के अधिकार के ऊपर, मुझे लगभग पूरे लोग वहां उनके बारात में पहुंच गए थे और किसी को कोई दिक्कत नहीं था, वो किसी के कहने पे राइट विंग गवर्नमेंट के बजरंग दल वहां पे जो BHP के लोगों ने कंप्लेंट की थी उसके आधार पे वो शादी रुकवाई गई, बारात लौटाई गई और उनको कहा गया कि अभी आप DM की परमिशन दीजिए। तो ये कानून के अनुसार ये जो पूरा जो मामला हुआ है, और दूसरे पुराने मामलों में हम लोग बहुत समय से हमारा ये अनुभव है कि ये पूरे इसमें लड़की खुद एडल्ट वयस्क होते हुए अपना जो निर्णय लेती है, और ये खाली हिंदू मुस्लिम की नहीं है, आप जानती है कि जात से लेके हर जगह पे लड़की की अपनी अकल ही नहीं है, एजेंसी नहीं है, ये बात सरकार भी मानती है, बहुत बार परिवार भी मानते हैं, और खास करके जब ये विजिलेंटे ग्रुप
जो अभी खड़े हुए हैं, जिन्होंने एक प्रकार से मान लिया है कि वो देश के लड़कियों का और अपने समाज के लड़कियों का पूरा रक्षण करेंगे, और आज भी उन्होंने, आपने देखा होगा कि इन्होंने हाईकोर्ट में लिख के दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि हम क्यूमुलेटिव बूर के लिए, हम देश के हित के अच्छाई के लिए ये कदम उठाए हैं। इसमें देश की अच्छाई कैसे है और जनता की अच्छाई कैसे है, इसके कोई तथ्य नहीं है। क्या ऐसा कोई रिसर्च है कि जहां पे इन्होंने ऐसे परिवार हुए, उनके आतंकवादी हुए, क्या हुआ भाई? समझो किसी ने किसी से शादी की दूसरे धर्म में, धर्म परिवर्तन करके भी, तो क्या उससे क्या देश में कोई माल संपत्ति का नुकसान हुआ, क्या किसी को खतरा पहुंचा? ये कोई ना होते हुए जो देश का संविधान आपको आर्टिकल 25 के नीचे, शादी की ही बात नहीं, आपको कोई भी धर्म आपको प्रैक्टिस करने का, प्रपोगेट करने का और अपना ये करने का अधिकार देता है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं फंडामेंटल राइट? लखनऊ में ऐसे केसेस हुए, भाषा जी आपको विश्वास नहीं होगा, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम शादी होते हुए लड़की का जब बयान के लिए उसको कोर्ट में लाया गया है, जिस केसेस में हम लोग रहे हैं सामने, ये कुछ सालों पहले की बात है, तो लड़की का बयान होते हुए ही बयान एक्सेप्ट किया गया कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने, लखनऊ हाईकोर्ट के प्रांगण में, लखनऊ हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस ने कहा लड़की अपने मर्जी से अपने पति के साथ जो भी वो मानती है जाना चाहे जाना चाहती है। वकील हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के चेंबर में घुसे हैं जय श्री राम के नारे देते हुए, और बाहर बॉम्ब फोड़े गए हैं। तो इतने लेवल का जब आप एक प्रकार के उग्रवादी और ये पूरे एजेंसी को ये करते हैं, और अभी सरकारी कानूनन जामा पहनाया जाता है, पहले तो कम से कम ये कानूनन जामा नहीं था, यही सरकार ने ये कानूनन जामा पहले से हो रहा था। अरुंधति जी, तो आखिर इस तरह का कानून, वो भी इतना विचित्र ढंग का कानून कि अगर कोई ईसाई या कोई मुसलमान हिंदू बनता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो घर वापसी है, लेकिन बाकी अगर कोई होते हैं तो दिक्कत होती है, तो इसकी क्या वजह लगती है कि कानून लाने की क्या जरूरत? वही वजह है कि आपको एक पॉपुलेशन, वो कानून लाने को इनकी जरूरत सिर्फ इतनी थी, ये जो भी कहे कागज के ऊपर, जो वो कह रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए, क्यूमुलेटिव वोट के लिए, क्योंकि जनता चाहती थी, कौन से जनता का इन्होंने सर्वे किया, कौन से जनता ने लिख के दिया, कितने केसेस आए, भाई मैं कह रही हूँ उसके कोई तथ्य उन्होंने नहीं कहे हैं, उन्होंने अपने आप को जो मान लिया है कि जनता ये चाहती थी इसलिए हमने कर दिया, जनता की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, कॉमन गुड, ये उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है हाईकोर्ट आज पिटीशन में जो उन्होंने दाखिल किया है, कि आप जवाब दे दीजिए कानून लाया, उसमें उन्होंने कहा कॉमन गुण के लिए। हमारे नजर में ये सिर्फ एक देश के, एक परिवारों के, एक समुदाय के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना, उनके ऊपर वो प्रकार का खौफ निर्माण करना कि ताकि वो कोई भी मामले में अपनी गर्दन उठा के सम्मान से इस देश में जी ना पाए, इसके सिवा इसका मुझे और अन्य कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता। क्योंकि ये सभी केसेस में अभी तक के जो फैसले आए हैं उसमें आप देख रही होगी एक भी केस में इनको नहीं मिला है पुरावा, और कोर्ट ने जितने कोर्ट में 3-4 फैसले आए उससे सभी केस में कोर्ट के सामने इन्होंने कबूल किया कि कन्वर्जन का मामला नहीं था या लड़की अपनी इच्छा से गई थी और इनको जाने देना पड़ा है, परंतु खौफ का माहौल तो निर्माण हो गया जो ये चाहते थे। आप जानते हैं कि एक जगह पे छोटा सा दंगा होता है पूरा गाँव खाली हो जाता है, तो सबकी लाइवलीहुड, रोजगार, सब कुछ निशाने पे आ जाता है। तो आप एक समुदायों के लोगों से ये सब कुछ लेना चाहते हैं और जो एक गुलाम खौफ का वातावरण करके वो गर्दन मुंडी करके नीचे बैठे, जो पहले था कि भाई सामने है बाबू साहब के तो दूर बैठना है और चप्पल भी नहीं पहननी है, गर्दन नहीं उठानी है, वही ये चाहते हैं। वो ठकुरा ही जो है, जो हमारे समाज में जो फ्यूडलिज्म भरा है मानसिकता में, ये एग्जैक्टली उसका प्रतीक। आप सब भी ये जानते ही होंगे कि भारत में जो संविधान अभी तक लागू है, अभी तक मनुस्मृति का यह कानून लागू नहीं हुआ, जिसे लागू करने की तैयारी इन तमाम कानूनों और अध्यादेशों के जरिए की जा रही है। यह देश का संविधान हर एक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने, धर्म बदलने की अनुमति देता है, लड़कियों को चुनाव का अधिकार देता है, हम अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, जीवन साथी चुन सकते हैं, दोस्त चुन सकते हैं, यह सब कुछ बुनियादी अधिकार हैं जो इस देश के संविधान के तहत गारंटीड हैं। इन सब के बावजूद इस तरह के कानून को लाना, उसके इर्द गिर्द 28 नवंबर को यह कानून आता है, जनवरी का आधा महीना नहीं बीता, 50 से 60 गिरफ्तारियां होना, इसके पक्ष में दूसरे ढंग का एक उन्माद बनाना और यह बताना कि धर्म और धर्म का पालन करने वाली लड़कियां संकट में हैं। ये कानून,
ये अध्यादेश इस देश के संविधान के खिलाफ हैं, बुनियादी अधिकारों का हनन करने वाले हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा कानून की जानकारी होनी जरूरी नहीं है। लेकिन कानून के जो रक्षक हैं, जो हमारी न्यायपालिकाएं हैं, वे कब इन कानूनों को खारिज करेंगी, इनके खिलाफ फैसला देंगी, प्रेम और चुनाव की गारंटी करेंगी, यह तो हमें आगे पता चलेगा। क्योंकि दोनों ही जगह, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, वहां पर लोगों ने दरवाजा खटखटाया है, मामला चल रहा है। 15 तारीख को कुछ और संगठन पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज है जिस पर हमें और आपको बहुत सतर्क नजर रखनी है, वह यह कि ये जो पूरा का पूरा माहौल इस तरह के कानूनों को लाकर सरकारें कर रही हैं, उसके जरिए वे बताना चाहती हैं कि हम और आप 21वीं सदी में प्रेम से वंचित जीवन जीने के लिए बाध्य किए जा सकते हैं। हमें और आप पर वह तमाम बंदिशें लगाई जा रही हैं जिनके खिलाफ हमारी पीढ़ियां लड़ाई लड़ चुकी हैं, और उनकी लड़ाई को दरकिनार करते हुए एक दूसरे ढंग का फासिस्ट हिंदू राष्ट्र स्थापित किया जा रहा है। लड़कियों से उनका बुनियादी अधिकार, बुनियादी स्वतंत्रता छीनते हुए, मुझे लगता है आज के दौर की जो लड़की है, आज के दौर का जो लड़का है, जो नौजवान पीढ़ी है, वह सिरे से इन कानूनों, इन बंदिशों के खिलाफ बोलेगी और मुंह खोलेगी। शुक्रिया।